पावर एंड एसी सर्किट से बेटा हाउ वी कैन कैलकुलेट बेटा पावर ऑफ एन एसी सर्किट बेटा। किसी भी एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन को बेटा कैसे वर्कआउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेट्स बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस अज्यूम दैट कि आपके किसी सर्किट में, जिस सर्किट के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो, आपको जो ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, दैट इज गिवन टू बी ई नॉट साइन ओमेगा टी पुत्र। ई आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेटा एंड ई नॉट आपकी वोल्टेज का बेटे पीक वैल्यू। बाकी तो आप फैमिलियर हैं इनके साथ। एंड आपका जो आई है इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमने कर लिया। फाई दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। एंड डियर चिल्ड्रन वी डोंट नो फाई आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आपका फाई नेगेटिव होगा इट विल मीन दैट आपका सर्किट जो है दैट इज बेटे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। आपका जो है अगर फाई पॉजिटिव है देन इट विल बी बेटे कैपेसिटेंस। और इन दिस वे कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट बेटा। आइए इन जनरल बात करके देखें, बाकी फाई की बात साथ साथ होती रहेगी कि कैसा इसका नेचर है, कैसे ये अपना रोल प्ले करेगा। यहां पे आपका बेटा जो पावर है दैट इज इक्वल टू ई इंटू आई। पावर आपका वी इंटू आई के बराबर होता है बिकॉज आपको एवरेज पावर निकालना होता है बेटे। आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर या अदरवाइज पावर नहीं चाहिए। तो डियर चिल्ड्रन पावर एवरेज आपका जो है इट विल बी द पावर कंज्यूम्ड ऑन द कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर कंप्लीट साइकिल बेटे। आइए हमारा सबसे पहला स्टेप इस चीज को कैलकुलेट करने का होगा। इस चीज को एक बार कैलकुलेट करके देखें कि हमारा इंस्टेंटेनियस पावर जो है पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड में व्हाट इट विल बी इक्वल टू बेटा। सो आइए कंसंट्रेट करके देखें बेटा। आपके पास था 0 to T, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं फॉर द टाइम बीइंग बेटा। E I into DT it will be 0 to T। E की जगह पर आप ये वैल्यू डाल दीजिए E नॉट साइन ओमेगा T और I की जगह पे आप डाल दोगे I नॉट साइन ओमेगा T प्लस फाई बेटा इंटू DT। आपने साथ में अटैच कर दिया टर्म को एज सच। अब इसको बेटे स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम सॉल्व करेंगे। आपका जो राइट साइड है 0 to T बेटा ई नॉट आई नॉट इनका बेटे देखो मैंने प्रोडक्ट जो है एडजस्ट कर लिया एक जगह पर। ये देन आपके पास ये साइन ओमेगा टी एस एच आई है और इसके साथ आपके पास है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इंटू DT बेटा। आपने ऐसे इसको मैनेज किया। ये आपका साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे बेटे लग जाएगा। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वी कैन अप्लाई दैट एंड लेट अस अप्लाई दैट नाउ। 0 to T ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बेटा इंटू DT। जरा चेक करिएगा बेटा इज इट देयर, है ना बेटा। अब हमारा टर्न है टर्म्स को एडजस्ट करने का। 0 to T ई नॉट आई नॉट ये भी देखिए साइन ओमेगा टी यहां पे भी साइन ओमेगा टी इट विल बिकम बेटा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। सो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। एंड डियर चिल्ड्रन ये साइन ओमेगा टी इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा
it will be sine omega t cos omega t into sine phi और dt साथ में ऐसे रख दिया हमने ऐसे ही. चेक करिएगा आर दीज ऑल टर्म्स क्लियर. बेटा ये जो सेकंड वाली टर्म है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे और 2 से डिवाइड कर दिया. आई डोंट थिंक कि कोई इसमें दिक्कत आएगी. वैसे ही कैंसिल हो जाएगा लेकिन हमारा फॉर्मूला बन जाया करता. दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस बेटा. अब हमारा पर्पस बेटा फर्दर इस चीज को सॉल्व करने का है एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस बेटा. और देखें हमारे पास अब ये क्या बन रहा है. आइए बेटे देखें इसको. दिस विल बी इक्वल टू बेटा ई नॉट आई नॉट को बेटे मैंने इंटीग्रल से बाहर ही निकाल दिया. दोनों में कॉमन था आपका ये और आपके पास बेटा और थोड़ा सा देखिए ऐसे कर देता हूं मैं. जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को बच्चों मैं वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू कॉस फाइव बेटे लिख सकता हूं. जरा चेक करके बताइएगा तनवीर हो सकता है ना बेटे ऐसे. हाँ जी हाँ अच्छा लिखिए 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 कोई बात नहीं बेटा करिए. देन जीरो टू टी इसको बेटा जो आपने ये टर्म लिखी थी आप इसको साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू साइन फाइव इंटू डी टी करके लिख सकते हैं बेटा राइट. अब हमारा पर्पस इसको और इसको कैलकुलेट करने का है बेसिकली. और इसमें भी स्टिल वन मोर स्टेप कैन बी बेटा एडेड टू दिस एक्सप्रेशन. लेट अस फोकस अपॉन दैट स्टेप हाउ वी कैन एडजस्ट दिस बेटा. ये आपके पास स्टेप के बाद थोड़ा सा फोकस करिएगा ध्यान दीजिएगा. ई नॉट आई नॉट इसके भी डिनोमिनेटर में टू है इसके भी डिनोमिनेटर में टू है. मैंने टू भी एडजस्ट किया कॉमन और आपके पास बच्चों ये चीज आ गई जी. और देखिए ध्यान से जीरो टू टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी प्लस बेटा जीरो टू टी ये देख लीजिएगा साइन टू ओमेगा टी इंटू डी टी. इसमें आपके पास कॉस फाइव वाला टर्म साथ में है इसमें साइन फाइव वाला टर्म साथ में मल्टीप्लाइड पड़ा है. ये इन टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं ये वाली जो राइट बेटा. चलें जी आगे. इसके बाद बच्चों बेटर होता है अगर हम इनको सेपरेटली कैलकुलेट कर लें बिकॉज फिर आपका स्टेप बहुत ज्यादा लेंथी हो जाया करता है. इस चीज को अगर मैं सेपरेटली बेटे इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करूं आइए देखें. आई विल हैव जीरो टू टी इसको मैंने डी टी माइनस जीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी कर लूं बेटा. मैं इसको सॉल्व कर रहा था सेपरेटली इंटीग्रल जीरो टू टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी को बेटा. ये इट विल बी समथिंग लाइक दिस बेटा. और बेटे डी टी का इंटीग्रल जो होगा इट विल बी टी सिंपली स्मॉल टी जीरो टू टी कर दूं. कॉस टू ओमेगा टी का बेटा क्या होगा जी साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा जीरो टू टी. हम कल बात कर रहे थे ऐसे इंटीग्रल के बारे में. टू ओमेगा को बाहर कर लेते हैं और ये ऊपर वाला जो टू ओमेगा इसको टू इंटू टू पाई अपॉन टी लिख सकते हैं. एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको. स्मॉल टी जीरो टू टी माइनस वन बाई ओमेगा को मैंने लिखा जी टू पाई बाई टी ऐसे हो जाएगा ये. और बाकी क्या बचा हमारे पास बेटा ये बन गया साइन ऑफ टू इंटू टू पाई बन गया फोर पाई. ठीक है जी फोर पाई
अपॉन टी इंटू टी कर ले ऐसे, इसको आप 0 to t सब्स्टिट्यूट करोगे। जब आप यहां पे टी पुट कर दोगे इट विल बिकम इक्वल टू टी ओनली। और यहां बेटे देखिए, जब आपने कैपिटल टी पुट किया यहां पे, ये आपके पास आ जाएगा बेटा sin 4 pi, दैट विल बी 0, माइनस sin 0, दैट इज अगेन 0। तो ये टर्म आपको कुछ भी नहीं देगी एक्सेप्ट 0। सो दिस इज इक्वल टू बेटे 0। और ये सारा करने के बाद आपके पास सिर्फ टी के बराबर इसका रिजल्ट आओ, राइट बेटा। सो ये पार्ट आपने बच्चों सॉल्व किया, इसका इंटीग्रल सॉल्व करने पे आपको टी के बराबर मिल गया। बताइए पुत्र, इसकी अगर आप बात करो ये वाले टर्म की, sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा विद नेगेटिव साइन होगा, cos 4 pi अपॉन टी इंटू टी, ये आपको अगेन 1 - 1 इन द एंड मिलेगा। और ये टर्म भी आपको बच्चों कुछ भी नहीं देगी, इट विल बी ऑब्वियसली 0। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कि नहीं समझ पा रहे बेटा? फिर से ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रल बन गया cos 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा, नेगेटिव साइन साथ में आ गया, बाहर एडजस्ट कर लिया हमने, 2 ओमेगा को जैसे आपने बाहर किया है बाहर कर लिया। cos 2 ओमेगा t को क्या लिखेंगे, cos 2 into 2 pi upon t into t, बिल्कुल इस तरीके से, साइन की जगह cos आ जाएगा। अब यहां अगर cos में लिख दूं cos 4 pi upon t into t, जब आप बड़े वाला t पुट करोगे तो cos 4 pi हो गया, cos 4 pi विल बी कितना, cos 4 pi, वन नहीं हो जाएगा है ना। माइनस जब आप 0 पुट करोगे cos 0 कितना होगा, 1, तो 1 - 1 बन गया, दैट इज वाई 0 बेटा, ठीक है बेटे। और अब हम बेटे क्या करेंगे, इस चीज को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करके अपने रिजल्ट को रिफाइन कर लेते हैं बेटा। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन नाउ बेटा, आप इन इंटीग्रल्स को बेटे, अगर आपके पास, वैसे आपको सब्जेक्टिव तो आना नहीं है, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। सो ओवर हियर इट विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 बेटा, ये था ही था, साथ में इसका इंटीग्रल टी आ गया जी, और cos 5 वाली टर्म आपके इसके साथ ऑलरेडी अटैच है, राइट बेटा। ये वैल्यू अब मैं या इसकी वैल्यू निकाल रहे थे ना हम बेटा, आई कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा, एवरेज पावर इन द LCR सर्किट आपके पास आ गया जी, ई नॉट आई नॉट इंटू टी इंटू cos 5 डिवाइडेड बाई 2 into t। बेटा चेक करिएगा, टी से टी आपका कैंसल आउट हो गया बेटा, इट इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 into cos 5 बेटा। लेट मी री राइट दिस एक्सप्रेशन इन द मॉडिफाइड फॉर्म, इफ सी आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज ई नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 cos 5 करके लिख सकता हूँ बेटे, जरा चेक करिएगा, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, है ना। सो एवरेज पावर आपके LCR सर्किट में डिसिपेट कितना हो रहा है, ERMS IRMS एंड cos of 5 साथ में एस सच आ रहा है बेटा। सो दिस इज द पावर विच इज बीइंग डिसिपेटेड इन योर बेटे LCR सीरीज सर्किट। चलें आगे, अब स्पेशल सिचुएशंस बेटे यहां पे बन जाती हैं। आप कहोगे कि फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बेटा तनवीर फाई कितना होता है? हाँ जी पुत्र, फाई जीरो, आपका करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं ना बेटा, फाई विल बी जीरो, और आपका एवरेज पावर कितना हो गया फिर बेटा? ई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस 01, मतलब सारे का सारा पावर आपका आपके रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस ही बेटा डिसिपेट हो रहा है। राइट पुत्र, चलें आगे। अगर आप बात करो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका फाई कितना होगा जी? पाई बाई टू, यस, पाई आपका पाई बाई टू है, पुट कर दीजिए। पावर एवरेज आपके एलसीआर सर्किट में कितना कंज्यूम होगा? ई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस 90 तो जीरो ही होता है। आपके सर्किट में कोई भी पावर इस इंडक्टर की वजह से कंज्यूम नहीं हो रहा है। राइट, चलें आगे। लास्ट केस पुत्र बचा है प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। गुड़िया बताओ इसमें फाई कितना होगा कैपेसिटेटिव सर्किट में पुत्र? नहीं नहीं भाई, आपके बेटे देखो करंट और वोल्टेज में फेज एंगल तो पाई बाई टू ही रहता है ना। आपको याद होगा हमने बात की थी कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, करंट पीछे है, और कैपेसिटेटिव सर्किट में आप ही तो कल बता रहे थे कि करंट आपका 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज पीछे है, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों इन फेज हैं, वही बात कर रहे हैं हम बेटा। तो इट विल बी अगेन पाई बाई टू, और पाई बाई टू का इंक्रीमेंट नहीं देना हर बार, ठीक है? तो इट विल अगेन बी जीरो, एवरेज पावर का कंजम्पशन आपके प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट में कुछ भी नहीं होगा। समझ आ गई बात सारे स्टूडेंट्स को बेटा? इसका मतलब ये हुआ आप जब जब अपने एलसीआर सर्किट की बात करते हो, आपके एलसीआर सर्किट में जितनी भी पावर कंज्यूम होती है वो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट का, जो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस वाला पार्ट है उसकी वजह से होती है, इनमें कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होता। जब आप 12th के बाद आपने सुना होगा हमारा एक बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आगे आ जाता है, उसमें इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के साथ बहुत डिटेल में डील किया जाता है, ताकि आपकी जितनी भी हैवी मशीन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, हैवी मशीन्स जो हैं उनकी पावर मैक्सिमम रहे और उनके अंदर कंजम्पशन जो है पावर का वो कम हो, ठीक है बेटा? कंजम्पशन को कम करने के लिए हम इन चीजों को पकड़ते हैं, इसको इसको इसको, इनको पकड़ने का मतलब है इनमें कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं एक। अगर ऐसा ना हो, ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि आप कहो कि चलो पावर तो कंज्यूम ही नहीं, लेकिन आपकी मशीन में ताकत ही नहीं है, मशीन पावरफुल भी होनी चाहिए ना बेटा। सो दैट इज समथिंग लाइक दैट, क्लियर पुत्र? इसके बाद बेटे लेट मी कंसेंट्रेट अपॉन योर एसी जनरेटर। दिस इज द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट रादर। एसी जनरेटर की बात करेंगे, एसी जनरेटर। पहली बात तो यह है कि जनरेटर वर्ड मिसनॉमर है, मिसनॉमर का मतलब होता है नाम गलत है इसका। यस, ये जनरेट कुछ नहीं करता, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इट इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग। ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है पुत्र जी? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, अब इसके ब्रीफ सेटअप की अगर बच्चे मैं बात करूं,
कैसा सेटअप होगा, इसका डायग्राम कैसा होगा, थ्योरी पार्ट कैसा होगा. वी सपोज दैट वी हैव ए हैवी मैग्नेट प्लेस्ड ओवर हियर विद द टू पोलैरिटीज एज इंडिकेटेड नॉर्थ साउथ थीटा. इनके बीच में एक आर्मेचर कॉइल हमने प्लेस कर रखा है. दिस इज द आर्मेचर कॉइल बेटा, एग्जैक्ट साइंटिफिक नाम ले रहा हूं मैं. और यहाँ पे आपने बेटे एक जो है स्लिप रिंग अटैच कर रखा है. स्लिप रिंग आपके सिंपल रिंग की तरह ही होगा, जैसा रिंग आप लोग अपने हाथ में पहने हुए होते हैं. और दूसरा एंड जो है बेटा, ये एक दूसरे स्लिप रिंग के साथ अटैच कर रखा है हमने इस तरीके से. आप इन दो टर्मिनल्स से बेटे आउटपुट ले लेते हो यहाँ से, और आपको आउटपुट जो है इन दी फॉर्म ऑफ एसी बच्चों मिल जाएगा. ये सारे का सारा आपका जो सिस्टम है या सेटअप है, आप इसको बेटे एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के साथ इसको फिक्स करके रखते हो, अटैच करके रखते हो. ये इन द नट शेल बेटे आपका शाफ्ट है, ये आर्मेचर कॉइल है पुत्र, ये आपका बेटा मैग्नेट हुआ, ये आपका पुत्र स्लिप रिंग्स हो गए, और ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे ये क्या चीज है, ये बेटे आपका कार्बन ब्रश होता है. कार्बन ब्रश बेटे आपका जो है ये एग्जैक्टली आपका जो बेटे जैसे मैं चौक से लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये चौक के पीस की तरह ही होता है. जैसे आपका चौक का पीस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका चौक जो है ये धीरे 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 बेटा ये यूज होता जाता है. ऑन द सेम वे आपका कार्बन ब्रश भी यूज होता जाएगा, एंड वी विल हैव टू रिप्लेस इट बाय द न्यू वन. मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से पुत्र एक्ट कर रहा है यहाँ पे ऐसे, 20 की स्ट्रेंथ मैंने बोल दी. अब आप अपनी शाफ्ट को रोटेट करते हो. शाफ्ट को रोटेट करने के लिए बेटे मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से. आपने कभी जनरेटर चलते देखे होंगे, तनवीर देखे हैं कहाँ, स्कूल में ही देखे हैं, वेरी नाइस. उसके साथ एक बड़ा सा इंजन भी लगा हुआ है. हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. आपका पेट्रोल और डीजल वाला इंजन हो सकता है, आप पेट्रोल वाला यूज कर सकते हो, डीजल वाला यूज कर सकते हो. अब बात ये मैं कह रहा था कि आपका जो इंजन है वो क्या करता है, इसको रोटेट करने का काम करता है. मतलब आपका इंजन मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड कर रहा है, उसके बदले में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है. आप देखो, अब अपने हाथ से तो कोई वहां पे बंदा बैठ के घुमाने नहीं लग जाएगा कि मैं जी घुमाता हूँ बत्ती गई हुई है, बच्चे पढ़ लेंगे आराम से, ऐसे थोड़ी होगा. बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वो रोटेट ही नहीं कर पाएगा. अगर आप कोई हैवी ड्यूटी जनरेटर को देखो ना, उसको रोटेट करना बड़ा मुश्किल होता है. ए लॉट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसीलिए मैकेनिकल इंजन लगाए गए हैं. तो वो इंजन इस शाफ्ट को रोटेट करेगा, शाफ्ट के साथ आपका आर्मेचर कॉइल अटैच्ड है, कॉइल रोटेट करेगा. मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, अब ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस करंट के लिए हम अपना राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं. फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द इंड्यूस करंट, और ये आपको फोर्स दे देगा. अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये इधर आ गया और ये अंदर की तरफ चला जाएगा. ये फील्ड, ये मोशन और करंट आपका इधर हुआ, और इस ब्रांच में ये फील्ड ये अंदर की तरफ जा रहा है, करंट इस तरफ हो गया. सो इन दिस वे बेटा, आपके दोनों स्लिप रिंग्स में हाफ टाइम पीरियड के बाद पोलैरिटी बदलने के साथ साथ आपको कुछ इस फॉर्म में अपना एसी जो है ये बेटा मिलता चला जाता है इन दिस वे बेटा. अब बेटे असल में होता क्या है, असल में आप शाफ्ट को नहीं रोटेट करते. शाफ्ट को अगर आप रोटेट करोगे तो कार्बन ब्रश देखो चौक कितनी जल्दी घिसता है, आपको कार्बन ब्रश फटाफट बदलने पड़ेंगे. कार्बन ब्रश जो है इट इज ए सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट,
जहां से आप आउटपुट ले रहे हो। तो इसको वियर एंड टीयर से बचाने के लिए आपके जनरेटर, असल वाले जनरेटर में एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेट होता है बहुत बड़ा, हम इंजन के साथ उस मैग्नेट को ही रोटेट कर देते हैं, इसको बीच में फिक्स रख लेते हैं। पर्पस तो फ्लक्स की चेंज का ही है ना बेटा, बिकॉज यू नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये माइनस वी फाई बाई डी टी के बराबर होना है। आपका पर्पस है फ्लक्स की चेंज करना, फ्लक्स आप चाहे इसको रोटेट कर लो चाहे मैग्नेट को रोटेट कर लो, एक ही बात है। आप अब जब भी नेक्स्ट टाइम जनरेटर के पास बैठे होंगे आप चेक करिएगा कि क्वाइल रोटेट कर रहा है कि आपका मैग्नेट रोटेट कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। और फर्दर मोर बेटे, जब मैग्नेट रोटेट करेगा फ्लक्स वेरी करेगा, और अगर फ्लक्स वेरी कर गया इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। अब आपका फ्लक्स फाई ये बेटा आपका बी इंटू ए के बराबर हुआ करता है। मैं थोड़ा सा और अगर आगे बेटे आपको ले चलूं इसी कंसेप्ट में, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका मैग्नेट है, इट इज अगेन सेकंड पार्ट ऑफ योर मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इधर लगा हुआ है, और आपका क्वाइल उत्तर, ध्यान दीजिएगा, अब ये क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने आपको क्वाइल का दिखाया है, क्वाइल का एरिया वेक्टर किसी इंस्टेंट पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रखा है। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है ना, आप जानते हो ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होती है। आप तो फटाफट रोटेट कर ही जा रहे हो मैग्नेट को, तो आपका थीटा जो होगा दैट विल बी ओमेगा इनटू टी आ जाएगा। डियर चिल्ड्रन क्या कहते हो? हाँ जी हाँ? ओके, सो आप इस थीटा को पुत्र जी ओमेगा इनटू टी कह सकते हो ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में पुत्र कंपोनेंट आप लिखवाओगे पुत्र क्या होगा इसका, इसके लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा? अरे पुत्र जी ये बी कॉस थीटा नहीं होगा, घबरा गए आप, ठीक है। सो आपका फ्लक्स बेटे कितना हो गया जी, बी कॉस थीटा इंटू ए हुआ, एरिया भी तो कॉइल का लेना है ना, फ्लक्स बेटे एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड ही होता है ना। अब और ध्यान दीजिए, आपने इतना बड़ा इंजन लगाया हुआ है जनरेटर चलाने के लिए, अब आप अपनी वायर को एक बार तो वाइंड करके छोड़ोगे नहीं, आप तो उसमें हजारों नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे ना, ताकि करंट काफी पावरफुल हो, ऐसा है? मान लीजिए एन के बराबर आपने टर्न्स दी हुई हैं, इट विल बी एन बी ए कॉस ओमेगा टी कर दो, क्या कहते हो? एन नंबर ऑफ टर्न्स आपने ली हुई हैं क्वाइल की, तो ई कितना हो जाएगा? इट विल बी डेरिवेटिव कर लेंगे माइनस डी डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कहां पे? टेंथ में आपने ये डिटेल नहीं पढ़ी होगी ना, हाँ जी प्लस वन में नहीं पढ़ाते? नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो जरा, ऐसे मत कहो, टेंथ में नहीं पढ़ा आपको ये, इतनी डिटेल नहीं करवाई होगी आपको, कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो ये तो खुशी वाली बात है, कोई तो बुरी बात थोड़ी है। हाँ बेटे, अगर अगर आपको लिसन, अगर आपको लगे ना कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा पढ़ा है, ये भी शुभ संकेत ही है, इसका मतलब है आपको कुछ आता है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एन बी ए, इट इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा कर दूं, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब आपका साइन ओमेगा टी वन हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो आपका ईएमएफ जो है दैट विल बिकम ई नॉट। जब आपका, आइए थोड़ा मैं इसको डायग्राम को अब खत्म ही कर देता हूं, जब आपका साइन ओमेगा टी वन है,
ईएमएफ आपका एम बी ए ओमेगा बन गया। ये मैक्सिमम वैल्यू को ई नॉट कहते हो आप, अरे कहते हैं, इसमें पुट कर दें ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू पीक वैल्यू इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इट विल गिव यू द करंट, इट विल बी ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, इट विल बी आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट बेटा। अब बड़ी मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूं, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हमें ये सिंगल फेज एसी आपको मिल रही है, ये जो हमारी स्कूल में घर में एसी चलती है, इट इज सिंगल फेज एसी। इंडस्ट्री में जितना हैवी मशीन उतनी पावरफुल आपको जो है मशीन को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक पावर की भी जरूरत पड़ेगी, करंट की जरूरत पड़ेगी। वहां पे हम बेटा टू फेज थ्री फेज या मल्टी फेज जनरेटर यूज करते हैं। ये नोटबुक पकड़ाइएगा जरा, थैंक यू। जो आपका बेटे मान लीजिए ये नोटबुक है, ये आपका एक कॉइल है आर्मेचर कॉइल, इसको हमने दो पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट के बीच में रख के रोटेट कर दिया, टर्मिनल लगाकर दो जगह से आउटपुट ले ली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको सिंगल फेज एसी मिल गई। एक ऐसा और कॉइल मैंने लिया, उसको इसके परपेंडिकुलर लगा दिया, दो हो गए। अब एक आउटपुट इससे, एक आउटपुट ये वाले कॉइल से, दो आउटपुट्स मिल रही हैं, हाँ जी मिल रही हैं। तो ये टू फेज जनरेटर हो गया, तीन अगर चाहिए हो, एक आपका ये कॉइल हो गया, ये ध्यान दीजिएगा आप जरा, ये तीन कॉइल्स आपने 120 के एंगल पे एडजस्ट किए हैं, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू, एक कॉइल, दूजी कॉइल, तीजी कॉइल 120 के एंगल के ऊपर रखकर इनको मैग्नेट के बीच में ऐसे रोटेट कर दिया, यस ऐसे। एक आउटपुट यहां से मिला, एक यहां से, एक यहां से, तीन फेज एसी जनरेशन हो गई। कई सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशली मिलिट्री में, वहां पे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, वहां पे मल्टी फेज एसी भी चाहिए होती है। कभी आपने देखा होगा जीटी रोड पे बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स आपके मिलिट्री वाले, आपने नहीं देखा, लेके जाते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स एडिशनल अटैच कर दी जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, जितनी आप आर्मेचर कॉइल ज्यादा लगाओगे, उतना ज्यादा उसको टर्न करना मुश्किल होगा और आपकी मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा लगेगी। अल्टीमेटली आपकी मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो इन दिस वे यू मस्ट नो सिंगल फेज एसी, डबल फेज एसी जनरेटर, थ्री फेज एसी जनरेटर क्या है, मल्टी फेज एसी जनरेटर क्या है। प्रैक्टिकली हम आर्मेचर कॉइल को रोटेट नहीं करते, मैग्नेट को ही रोटेट कर देते हैं ऐसे। और चौथी बात, जनरेटर वर्ड मिसनॉमर है, इट जनरेट्स नथिंग, इट मियरली कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके मैकेनिकल इंजन में डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, वो पेट्रोल और डीजल कंज्यूम हो जाता है और आपको बदले में एसी मिल जाता है। सो थैंक यू ऑल बेटे डियर चिल्ड्रन, और इसको देखिएगा, कभी जनरेटर के पास बैठने का मौका मिले तो दो मिनट बैठ के जरा स्टडी करिएगा। थैंक यू।